मेरा तो दिल आ गया इस पे। ये बाइक जो है आपकी इंडिया की है, क्या कहेंगी इस हवाले से? इंडिया की है, इंडिया वालों को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो बाइक है प्लीज मुझे भेज दे। ये क्या 9 लाख रुपए इस बाइक के? हाँ जी, इंडिया की ये लोकल मैन्युफैक्चर है। ना करो जी, गलत कह रहे हो तुम। ये चाइना मान सकता हूँ लेकिन इंडिया नहीं मुझे। वाह जबरदस्त। लेकिन इस तरह की बाइक्स जो है 18-19 लाख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एना। एना, एना मुझे बताइएगा कि बाइक्स का शौक है आपको? जी मैं तो चलाती भी हूँ। जबरदस्त। किस तरह की बाइक पसंद है? एक होता है स्पोर्ट्स बाइक है, सिंपल बाइक है, या हैवी बाइक, किस तरह की बाइक पसंद है? हैवी बाइक। हैवी बाइक। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, तो ये बाइक देखिएगा और मुझे बताइएगा लुक वाइज, इंटीरियर वाइज कैसी लगी बाइक? हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगी बाइक, काश ऐसी मैं भी ले सकती। और ये बाइक जो है वो 800 cc है। 800 cc जी। और ये तो मतलब मुझे इसी टाइप की बाइक पसंद है और ये बहुत अच्छी मुझे लगी यार। और इस बाइक की प्राइस क्या होगी अंदाजन? 4-3 लाख। नहीं, इस बाइक की जो कीमत है वो है 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया, इतनी ज्यादा? जी, लेने वाले जो होते हैं ना वो ले लेते हैं 9 लाख, क्योंकि इसमें सीसी ज्यादा है। अगर ये 3 लाख की तब होती है, अगर ये 200 cc होती है, 250 cc होती जी। तो अच्छा, बाइक देख के मुझे आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको? मेरा तो दिल आ गया इस पे। ये बाइक जो है आपकी इंडिया की है, क्या कहेंगी इस हवाले से? इंडिया की है, इंडिया वालों को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो बाइक है प्लीज मुझे भेज दे। ये बेसिकली टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, मुझे बताइएगा कि मैम आपको बाइक पसंद है? जी मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। किस तरह की बाइक पसंद है आपको? मुझे हैवी बाइक्स, चॉपर बाइक पसंद है। हैवी बाइक पसंद है। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये बाइक देखनी है और मुझे बताना है लुक वाइज और इंटीरियर वाइज बाइक कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, वेरी नाइस। अच्छा मैम, ये जो बाइक है ये 800 cc है, कितने की होगी? 90 लाख। यानी 80 से 90 लाख आप बता रही की होगी? नहीं मैम, इस बाइक की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 9 लाख है। वाह जबरदस्त। लेकिन इस तरह की बाइक्स जो है 18-19 लाख की। अच्छा मुझे बताइए बाइक है कहाँ की जो इतनी सस्ती है? कोई आप मुझे गेस कीजिएगा, बताइएगा कहाँ की लगती है? पाकिस्तान। किस कंट्री की है? नहीं China? पाकिस्तान की तो अपनी आपको पता है कि पाकिस्तान में तो मैन्युफैक्चर होती नहीं है। जापान? नहीं। लंदन? नहीं। ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर वो लोग अपने मुल्क में इस तरह की बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी इस तरह की बाइक्स अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कब तक बना लेगा पाकिस्तान अगर इस तरह की बाइक बनाने? अल्लाह करे कल ही। आपको लगता है कल बन जाएगी? नहीं नहीं, अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा जी, हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी आप? बहुत अच्छी बाइक है, लेनी चाहिए। आज का मेरा बेसिकली टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, बाइक पसंद है आपको? जी बहुत। आपको भी पसंद है? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं मुझे ये बताइएगा बाइक किस तरह की पसंद है आपको? लुक वाइज जैसा देखा जाए, हमारी यहाँ नॉर्मल बाइक है, हैवी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, किस तरह की बाइक अच्छी लगती है? हैवी बाइक बहुत पसंद है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। वाह जबरदस्त, आपको यानी कि हैवी बाइक अच्छी लगती है। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। लुक वाइज ये बाइक देख के मुझे बताइएगा कि लुक वाइज बाइक कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है, आप बताइएगा। बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा आपकी ख्वाहिश है? बहुत। आप चला सकेंगी? चला सकूंगी लेकिन कोशिश करूंगी, ऐसे शौक बहुत है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बाइक की कीमत क्या होगी? इसकी बहुत होगी वैसे कीमत। आइडिया मैंने वैसे पता किया था, तो उन्होंने कहा था 1 करोड़ से अबव है इसकी। 1 करोड़ से अबव है, क्योंकि 800 cc है। थी पहले मैंने की थी इसकी, नहीं दूसरी वाली जो हैवी बाइक है उसकी की थी, तो मुझे फैमिली ने बताया था कि 1 करोड़ से ऊपर है इसकी कीमत। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी 800 cc है और ये 800 cc होने की वजह से ये जो बाइक है ये 9 लाख रुपए की है। 9 लाख की? ये कहाँ की लगती है आपको इतनी सस्ती? पता नहीं, मुझे नहीं पता। किस कंट्री की लगती है? नहीं, ये आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है, इंडिया की है। हाँ, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की बाइक्स हमारे मुल्क में बननी चाहिए? यस। बाइक आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चांदनी। चांदनी, आज मेरे साथ नाज़रीन चांदनी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको बाइक का शौक है। बताइएगा आपको बाइक का शौक है? यस। किस तरह की बाइक पसंद है? जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल है, हैवी बाइक है, स्पोर्ट्स हैवी बाइक। वाओ जबरदस्त। जैसे कि आपने इशारे से भी बताया कि आपको हैवी बाइक पसंद है। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये लुक वाइज इंटीरियर वाइज बाइक देखनी है और मुझे बताना है ये बाइक आपको कैसी लगी। यार जैसे लड़की को नहीं कमेंट करते, कैंट लग रही है। आए हाय हाय, यानी कि
कैंट लग रही है। क्या कमाल की बात की है कि जैसे लड़के लड़कियों पे आवाजें कसरे होते हैं जी, कैंट लग रही है, तो उसी तरह आज आप बाइक को कह रही है जी कैंट लग रही है। अच्छा जी, बाइक में ऐसी क्या खास बात है जो आपको कैंट लग रही है? सेक्सी है बाइक। वाओ वाओ, यानी कि इस टाइम फुल हॉट है। अच्छा जी, जैसे कि मौसम है, मौसम के लिहाज से आपने एक बात बाइक के भी कर दी है, तो इस तरह की बाइक और साथ में बाइक ही हो कि कोई और भी हो? कोई और भी हो यार। अच्छा चलाने वाला होना। अच्छा, ये बाइक खुद चलाना पसंद करेंगी या जो आपके साथ हो वो चलाना पसंद करेंगी कि वो चलाए? अच्छा, वैसे मुझे बाइक चलानी आती है, बट ये वाली चलानी नहीं आती, बट मैं ट्राई करना नहीं, अगर कभी मौका मिलता है यस, मैं डेफिनेटली चलाना चाहूंगी। आप चलाना चाहेंगी? यस। अच्छा, आप बाइक कुछ चलाएंगी, किस तरह की फीलिंग महसूस करेंगी, आप इमेजिन करें जरा। यार देखें, व्हेन यू आर ड्राइविंग नाउ, और जब हवा आपको छूकर गुजरती है, जब आप तेज बाइक चला रहे होते हो, ठीक हो गया, तो वो आप किसी और दुनिया में होते हो, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात, जब आप ऐसी बाइक चलाओगे, इतनी अच्छी कैंट बाइक चलाओगे। अच्छा जी, चले जी, बाइक्स की हमने ज़रा कुछ गर्मजोशी ख़त्म करते हैं, अभी हम आते हैं अपने बाइक्स की कीमत की तरफ। बताइएगा कि इस बाइक की कीमत क्या होगी? ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़। 1.5 से 2.5 करोड़? यस। मैम, इसकी ऐसी क्या रीज़न लगती है इतनी महंगी, आपने बता दी? उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं उसके। और ये दूसरी बात ये कि 800 cc है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट इतनी 2.5 लाख की तो मेरे ख्याल में वो मिल रही है। कौन सी बाइक थी, मुझे भूल गया, 125 मिल रही है, तो इतनी क्लासिक बाइक है, इतनी अच्छी बाइक है, दिखने में फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इतना अच्छा उसका हर एक चीज़ को मेंटेन किया हुआ, तो डेफिनेटली इतनी की होगी ये, इतने की होगी। यस मैम, लेकिन ये जो बाइक है ये सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपये की है। क्या 9 लाख रुपये इस बाइक के? हाँ जी, कहाँ की लगती है पहले ये बताएं, 9 लाख रुपया क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में 800 cc बाइक मिलती होगी? यार ये आप जो कह रहे हैं कि 9 लाख की है, पाकिस्तान की तो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है ये जो बाइक है, ठीक हो गया, एंड आई थिंक सो कि किसी और मुल्क की ये प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, ये पाकिस्तान की बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है, ये आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की प्रोडक्शन है। अच्छा जी, इंडिया इस तरह की इनोवेशन कर रहा है, इस तरह की नई से नई बहुत सी गाड़ियाँ और बाइक्स की तरफ वो मूव कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो अपने ही लोकल मैनुफैक्चर करते हुए लोगों को एक फैसिलिटेट कर रहे हैं और एक सस्ती मयारी गाड़ी बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखें कि अपने मुल्क की उनकी अपनी मैन्युफैक्चर्स होती हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, उनको बाहर से पार्ट मंगवा के असेंबल नहीं करने पड़ते हैं, हर उनकी चीज़ें मुल्क में होती हैं, इसलिए सस्ती है ये। देखिए, टैक्स नहीं लगेगा, सबसे पहले कस्टम टैक्स नहीं है उसके ऊपर, कोई और टैक्स नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है वो सस्ती देंगे। यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, उनके पास आते हैं, असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद वो आपको देते हैं, तो काफ़ी महंगी हो जाती हैं वो गाड़ी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, जो हमारे बाइक लवर हैं, अगर ये गाड़ी या ये बाइक जो स्पेशली जो मैंने अभी दिखाई है, हम अगर पाकिस्तान में मंगवाना चाहें तो कितने कब तक आ जाएगी या कितना कितने की पड़ेगी हमें पाकिस्तान में? टैक्स लग के तो बहुत महंगी हो जाएगी। कितने की कोई आईडिया? देखिए, जैसे ये 9 लाख की, अगर 9 लाख की कार ये इंडिया से खरीदेंगे तो यहाँ पे आते थे डबल बीस से पच्चीस लाख की आपको इजिली नहीं मिलेगी, सॉरी, काफी खर्चा आपको हो जाएगा। हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी आप? लास्ट में देखने वाली ऑडियंस को यही मैसेज है कि यार बाइक बहुत अच्छी है, अगर कोई परचेज करना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट करें। ओके, थैंक यू। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है बाइक से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ, आपने ये लुक वाइज इंटीरियर वाइज बाइक देख के मुझे बताना है ये बाइक लुक वाइज कैसी लगी। और दूसरी बात इसकी ये बता देता हूँ कि ये 800 सीसी बाइक है, और आप देखिएगा जी 800 सीसी बाइक की लुक चेक करके मुझे बताइएगा कि लुक कैसी लगी आपको, एक जुमला मुझे बता दे बस कि लुक आपको कैसी लगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ इसे देख के, क्या कमाल की बाइक है। सिर्फ खड़े हैं अभी समझे, अंदर से मर चुके हैं, अंदर से मैं मर चुका हूँ इस बाइक को देख के। इसका इंटीरियर देखें आप, फ्रंट देखें इसका, क्या कमाल का फ्रंट, कमाल है यार। मैं तो खुद इस पे फिदा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कभी कोई मौका मिले मैं सबसे पहले ये बाइक लूँ। मुझे तो लग रहा है ये टेस्ला ने बनाई है, इतनी हैवी बाइक है। नहीं नहीं सर, ये टेस्ला की नहीं है, लेकिन ये जो बाइक है बड़ी यूनिक और बड़ी कमाल की बाइक है। अगर ये मुझे लेने का मौका मिले तो शॉकिंग रिएक्शन आप देंगे जब मैं आपको बताऊंगा ये किस कंट्री की है। आप मुझे पहले बताएं, अपना गैस बताएं, ये किस कंट्री की हो सकती है? ये जापान। जापान? जापान और अमेरिका। जापान या अमेरिका की? नहीं सर, ये दोनों ही मुल्क नहीं है। इंग्लिश बाइक है, और यहाँ पे कोई इतनी औकात नहीं है किसी की कि कोई ऐसी बाइक बना सके। अच्छा सर, चले मैं आपको बताता हूँ ये किस कंट्री की है, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं इसकी प्राइस क्या होगी। इसकी प्राइस 800 सीसी बाइक, 800 सीसी बाइक है तो 35 लाख के करीब। 35 लाख आप बता रहे हैं? हाँ, 35-36 लाख, इससे अबव होगी, इससे कम तो मैं मान ही नहीं ना सकता। ठीक है, लेकिन सर ये जो बाइक है इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपया। कितनी? 9 लाख। 9 लाख बहुत कम है यार, होनी चाहिए
ये जो है ना 9 लाख पाकिस्तानी कीमत है। क्या कहेंगे जी, कहाँ की लगती है पहले ये तो बताएं ना आप मुझे। मैंने बताया तो है जापान, इसके यहाँ पे कोई नहीं बना सकता। ये आपकी मुल्क इंडिया की है और इंडिया की ये लोकल मैन्युफैक्चर है। ना करो जी, गलत कह रहे हो तुम। ये चाइना मान सकता हूँ लेकिन इंडिया नहीं, मुझे नहीं समझ। जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जिस तरह से वो डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वहाँ पे वहाँ की ये बाइक होगी? मुझे नहीं यकीन, क्योंकि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, हमारे से आगे तो जा ही नहीं सकता वो। लेकिन सर जा चुका है, आप ये ना सोचे कि जा नहीं सकता, जा चुका है। बड़ी बात है यार ये बाइक, पाकिस्तानियों कुछ शर्म करो। जो है ना हर बंदा इस वीडियो को आगे से आगे लेके जाए। 9 लाख की बाइक, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बाइक आपको शो हो रही होगी नीचे। शो बिल्कुल, ये शो हो रही होगी, चल रही होगी। आप ये बाइक जो है ना होनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा भी सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंडिया में ये बाइक है तो इंडिया के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? इंडिया के लोगों को कि यार बड़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट कर रहे हो, हमारे लिए भी जो है ना दुआ किया करो कि हमारे भी जो सियासतदान है ना वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना खाने वाली प्लेट साइड पर करें और काम पर थोड़ा ध्यान दें। ओके, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस जो पाकिस्तानी है, उनको क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों आई लव यू, बड़ा प्यार करता हूँ सबसे, सारे भाइयों से। बस मेहनत करते रहो, रुको ना। ओके, और अपने गोल के पीछे भागो, वो क्योंकि बाहर वाले वो जितने भी लोग हैं ना वो सारे अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग ना ज़्यादा गोल नहीं, हम प्यो कमा रहे हैं, ठीक है, पुत्र खा रहे हैं बैग ना, पुत्र ना खावे, पुत्र भी काम करे, फिर डेवलपमेंट होती।